किश्तवाड़ से अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो आ रही है कि जिला किश्तवाड़ की इंतजामिया ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला जो लिया गया है ये लिया गया है कि सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल किश्तवाड़ के अंदर आज जो 7 तारीख है इस हवाले से जो है वो बंद रहेंगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल, क्योंकि महकमे मौसमियात की जिस तरीके की पेशन गोई आई है, ताहम हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल जो है वो रेगुलरली काम करेंगे, इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करने की कोशिश भी करेंगे और साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी कई मकाम पर बारिशों का सिलसिला, जैसे रामबन है, बानिहाल है, उधमपुर है, ज़बरदस्त बारिशों का सिलसिला और पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। अजय शान भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। अजय, हमारे पास खबर आ रही है कि इंतजामिया ने एहतियातन किश्तवाड़ में महकमे मौसमियात की पेशन गोई के पेश नज़र प्राइमरी स्कूलों को आज दिन के लिए मुअत्तल करने का फैसला लिया है, बंद रखने का फैसला लिया है, ताहम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मामूल की तरह चलेंगे। किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो पाई है इंतजामिया से आपके पास? और देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मौसम काफी खराब हुआ है, नीचे इलाकों में बारिश हो रही है, ऊपर बर्फबारी लगातार हो रही है, तो आज फैसला लिया गया है कि जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है आज 7 तारीख के लिए बंद रहेंगे। हालांकि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पर मामूल के मुताबिक काम होता रहेगा, लेकिन एहतियात के तौर पर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में आज छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदला है तो बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके चलते ये एहतियातन फैसला जो स्कूल इंतजामिया है उन्होंने सारी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ है उनकी तरफ से हिदायत जारी कर दी है। अजय, हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर बारिशें हैं, भलाई इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हुई है, कुपवारा से लेकर टंगमार्ग तक इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, तो किश्तवाड़ में अभी मौसम और मतला किस तरीके का है? क्या बर्फबारी बारिशें हो रही है या सिर्फ बादल नजर आ रहे हैं? क्या कुछ है सूरत हाल किश्तवाड़ की? जी बिल्कुल, निचले इलाके में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, जबकि उपरे इलाकों में कल से ही लगातार बर्फबारी होती है, जैसे सिंथन टॉप है, मरगट टॉप है या पाटर के ऊपरी इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी हुई है। कहीं ना कहीं जो सिंथन रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी उस तरह उतनी बर्फ नहीं हुई है, लेकिन मौसम किस तरह से बदला है, एकदम से टेम्परेचर यहाँ पर भी गिर गया है। बहुत शुक्रिया जी अजय ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल तालीमी इदारों के हवाले से खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि प्राइमरी और हाई स्कूल को बंद करने का फैसला आज दिन के लिए, ताहम हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स को जो मामूल के हिसाब से किश्तवाड़ के अंदर जो है वो काम करते रहेंगे। फिलहाल जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी बात करते हैं, आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, क्या कुछ सूरत हाल है? गौतर, मैं आपको बताना चलूं कि जम्मू सड़क कौमी शाहरा पे अगर इस वक्त की बात करें, ट्रैफिक हुकाम की बात माने तो इस वक्त जो है हल्की मूवमेंट जो है कौमी शाहरा पे जारी है, लेकिन जिस तरह से रात भर जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, इस वक्त की बात करें इस वक्त भी जो है काफी ज्यादा तेज बारिशें हो रही है, और इस जब इस तरह की बात चल जाती है तो कहीं ना कहीं पे रामबन बनियाल के सेक्टर में जो है ट्रैफिक रेगुलेशन में जरूर वो जो दिक्कतें देखने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त भी जो है अगर देखे तो पिछले एक माह की अगर हम कैलकुलेशन करें तो आज की बारिश जो है वो सबसे तेज था, जहां पर गरज के साथ जो है काफी ज्यादा बारिशें हुई, और कहीं ना कहीं पे इस मतलब जो है अगर देखें तो धूल का माहौल जो है काफी ज्यादा, मतलब एक अंधेरा जैसा माहौल जो है इन बारिशों की वजह से। तो अरे ये भी खबर थी कि मिहाड़ के पास एक बार फिर पसियां गिराई है, क्या इसमें कोई तस्दीक हो पाई है या सिर्फ अभी ये सोशल मीडिया पर ही बज है? जी बिल्कुल सर, इस हवाले से जो यहाँ के कंसर्न जो डीएसपी ट्रैफिक है उनके साथ भी हमने बात की, ट्रैफिक निजाम के हवाले से उनका मानना है कि अभी ऑफिशियली जो है गाड़ियां चल रही है, आज श्रीनगर से बड़ी गाड़ियों को जम्मू की ओर चलने की इजाजत होगी, छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी, लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज है कहीं ना कहीं पे बिहार या रामसू का जो इलाका है जो रोल प्ले करता है मलबा या शूटिंग स्कूल के हवाले से, लेकिन इस वक्त तेज तरार बारिशें हैं और ट्रैफिक हुकाम की माने तो गाड़ियों की मूवमेंट जो है अभी जारी है हाईवे पर। किश्तवाड़ से खबर थी कि पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो बानिहाल का जो बिल्कुल पास पास का एरिया, क्या वहां पर सिर्फ बारिशें हैं या बर्फ भी पड़ रही है? जी बिल्कुल, अगर कल डे टाइम की बात करें, कल जिस तरह से कल भी बारिशें होगी तो उसमें हमने देखा था जो बानिहाल के ऊपरी टॉप इलाके है, जैसे जवाहर टन के ऊपरी इलाके है, बहुमंगित के ऊपरी इलाके, तो वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो भी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इस वक्त की बात करें इस वक्त जो जो माउंटेनियरी एरियाज है काफी ज्यादा, मतलब इस वक्त धुंध से भरे हुए हैं और जिस तरह से ठंड का माहौल भी है, जो दर्जा हरारत में गिरावट है, और उससे कहीं ना कहीं पे आज की डेट की बात करें तो आज भी जो है
दूर दराज इलाकों में जो है इस बारिश के साथ साथ जो है। बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे गुलमर्ग चलेंगे।